महाराष्ट्र में लॉकडाउन और बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच फिर जारी हुआ मजदूरों का पैदल सफर। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने महाराष्ट्र में भी 15 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है, जिसके पश्चात मजदूरी करने महाराष्ट्र गए मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के निवासी परेशान होकर वापस लौट रहे हैं। महाराष्ट्र के येवला मजदूरी करने गए कालू पिता सुरेश निवासी बड़ा गांव बरूड जिला खरगोन ने बताया कि वह येवला प्लाटरी फार्म में मजदूरी करने एक माह पहले गए थे, जहां महाराष्ट्र में 15 दिन का लॉकडाउन लगने से काम बंद होने से वापस गाँव आ रहे थे, परंतु सेठ ने पैसे नहीं दिए व जिसके चलते येवला से पैदल ही पति पत्नी दोनों निकल पड़े। साथ में राशन पानी लिए निकले, जहां समय मिलता वहां खाना बनाकर खा लेते। पैसे नहीं होने से पैदल ही आना पड़ा। येवला से गांव की दूरी 300 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा बिजासन तक पहुँचने में 4 दिन का समय लगा। मध्य प्रदेश की सीमा बिजासन घाट तक पैदल ही पहुँचे, जहां SW24 न्यूज़ के संवाददाता सचिन जायसवाल ने खाना खिलाया और कुछ सहायता राशि भी दी। बिजासन से सचिन जायसवाल की रिपोर्ट। क्या नाम तुम्हारा? कालू। कहाँ के हो? अपने बड़ा खरगोन के पास। आप पैदल क्यों आ रहे हो? सेठ ने पैसा नहीं दिया तो येवला से पैदल आ रहे हैं। गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं, पैदल चल रहे। येवला से आपके गांव की दूरी कितनी होगी? 300 किलोमीटर। क्यों पैदल आ रहे हो? क्या कारण से पैदल आना पड़ा? सेठ ने पैसे नहीं दिए। पैदल क्यों आए हो? पैसे नहीं दिए इसलिए? हाँ। फिर आपका खाना पीना रास्ते में कैसा किया आपने? राशन पानी तो बना लेते। कितने दिन में यहाँ तक आए हो? जैसा तो चार हो गए। यहाँ से आपकी गाँव की दूरी कितनी होगी? यहाँ से होगी 2 किलोमीटर। कितने जन हो तुम? 2 जन। कौन कौन? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।